मशीन लेथ मशीन, ये ब्लेड की हम बात कर रहे थे। तो थ्रिलिंग कैसे किए, थ्रिलिंग के बाद जो है आपका गैस कार्बोराइजिंग कैसे किए, गैस कार्बोराइजिंग के बाद आपने जो है ग्राइंड कर दिया। ये इसमें भी जो ब्लेड होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा फ्लैट ब्लेड है, ठीक है। इसका प्रयोग भारी कार्यों वो हैवी ड्यूटी लेथ में प्रयोग करते हैं, ठीक है। फ्लैट ब्लेड हैवी वर्क के लिए यूज कर लेंगे। भी जो ब्लेड होता है जिसकी शेप इस तरह से होगी, दूसरा स्लाइडिंग का पार्ट्स भी इसके ऊपर इसी तरह से फिट होगा, यह जो है सिंगल या डबल भी आकार के हो सकते हैं। इसमें कैरेज को परिशुद्धता में चाल दी जा सकती है, ठीक है। जो कैरेज मूवमेंट करता है ना, अगर एक्यूरेसी में मूवमेंट करानी है तो भी बेड टाइप्स चाहिए। इसके बाद गैप बेड, गैप बेड मैंने बताया आपको कि यहाँ पर इस तरह से ये बेड लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अब यहाँ पे आपका हेड स्टक है। हेड स्टक क्या करता है, यहाँ से ये कंपोनेंट तो यहाँ तक ही आपका टूल पोस्ट आएगा और यहाँ से करके, लेकिन ये इतना कास्टिंग किया हुआ बेड इसमें बाई स्क्रू हम फिट कर देते हैं। तो कैरेज क्या करता है, कैरेज मूव करके आगे आ जाता है। तो कैरेज मूव करके आगे जाता है तो पूरा टर्निंग यहाँ से किया जा सकता है। लेकिन गैप बेड इसीलिए बनाया जाता है कि जैसे यहाँ पे हमारा गैप पे ये हेड स्टॉक और इसके बीच में गैप है, तो अगर बड़े व्यास का कोई कंपोनेंट है इसको हम आराम से इस जो है बेड को खोल के हटा देते हैं और ये बड़े व्यास के जो है कंपोनेंट को होल्ड करके टर्न कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है ऐसे जाप को बनाने के लिए गैप बेड हम यूज करते हैं। यह भी बेड का एक हिस्सा है जो कार्य के अनुसार बेड से अलग कर दिया जाता है। कहने का मतलब जरूरत है तो रखेंगे, नहीं जरूरत है तो खोल के हम इसको हटा देते हैं। इसके बाद आपका बेड के बाद हमारा आता है हेड स्टॉक। हेड स्टॉक आपने देखा मशीन के ऊपर यहाँ पे हेड स्टॉक है जो कि पूरे पावर को सप्लाई देता है। पूरे पावर की सप्लाई हमारा बाय हेड स्टॉक होता है और यही मोमेंट देती है। हेड स्टॉक है क्या, हेड स्टॉक कास्ट आयरन का एक बॉक्स नुमा बना हुआ होता है, सिंपल सी बात है आपको दिख रहा है, जिसके बाईं ओर मजबूती से पकड़ा जाता है। मशीन के हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहता है। इसमें स्पैंडल, ठीक है, बैक गियर, कोन पुली मूव करती है। कहने का मतलब है कि हेड स्टॉक के अंदर स्पैंडल होता है, बैक गियर होता है, कोन पुली होती है। इसके बाद यह जो है दो प्रकार की होती है, ठीक है। पहला आपका कोन पुली टाइप, दूसरा मैकेनिज्म टाइप। गियर मैकेनिज्म टाइप जो होते हैं उसमें क्या होता है कि पावर को हम क्या करते हैं, बाई गियर्स ट्रांसफर करते हैं, और कोन पुली जो होता है वो बाई पुली के द्वारा पावर को ट्रांसफर करते हैं। अब पार्ट्स ऑफ हेड स्टॉक, पार्ट्स ऑफ हेड स्टॉक जो है वो क्या है। देखो पार्ट्स ऑफ हेड स्टॉक में सबसे पहले स्पिंडल आता है। स्पिंडल जो आता है ना वो क्या करता है, जो स्पिंडल है ये किस चीज का बना होता है, यह जो है एलॉय स्टील का हालो एंड हार्ड और टेम्पर किया हुआ होता है। इसके एक सिरे पर थ्रेड कटी होती है, वो भी कौन सी थ्रेड कटी होती है, राइट हैंड बी थ्रेड पूछा जाता है अक्सर। कभी कभी आपको टैकल करना है, ये चीजें हर जगह नहीं मिलती हैं, इसको नोट करना। जो स्पिंडल के ऊपर होता है ना स्पिंडल, ये है स्पिंडल के ऊपर ये जो सिरा है इसके ऊपर जो है कि चक हम इसको होल्ड करते हैं, तो इसके ऊपर जो थ्रेड है ना ये राइट हैंड बी थ्रेड कटी होती है, ठीक है। कोन पुली के बाद स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए हम यूज करते हैं। बैक गियर, ठीक है, टम्बलर गियर, इसके बाद आपका क्वाड्रेंट प्लेट, इनके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं आपसे। ये आपका बैक गियर क्या है, बैक गियर आपका, बैक गियर में, बैक गियर से हम क्या क्या करते हैं ये देखो। बैक गियर अरेंजमेंट, हेड स्टॉक में स्पैंडल के नीचे एक ऑसेंट्रिक शाफ्ट और दो बैरिंग फिट होता है, ठीक है। बैक गियर यूनिट में लगा होता है, ठीक है, ये नीचे होता है और यहीं से जो है कि ऑसेंट्रिक शाफ्ट लगी होती है और इसमें गियर्स लगे होते हैं।
टम्बलर गियर क्या काम करता है? यह तीन जो है गियर का सेट होता है, इसमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ब्रेक, कैरेज और क्लास लाइट ऑटोमेटिक प्रदान की जाती है। आपको इमेज के द्वारा हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपकी ये देखिए, यहाँ पे जो हेड स्टॉक है, हेड स्टॉक के अंदर देखो आइडलर गियर है, लीड स्क्रू है, क्वाड्रेंट प्लेट लगा हुआ है, गियर ऑन लीड स्क्रू है, स्पैंडल आप यहाँ पे देख रहे हैं, टम्बलर गियर यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, टम्बलर गियर जो हेड स्टॉक से लगा हुआ है, ठीक है, गियर और पिडन स्पैंडल दिख रहा है आपको। तो ये सारे जो है कि हेड स्टॉक के अंदर की यूनिट है, ठीक है। इसको हम जो है तीन तरह से सेट किया जाता है। पहला, लीड स्क्रू व हेड स्टॉक स्पैंडल को एक ही दिशा में घुमाने के लिए, दूसरा न्यूट्रल रखने के लिए, तीसरा है लीड स्क्रू और लीड जो है कि हेड स्टॉक स्पैंडल को एक दूसरे के विपरीत चलाने के लिए, क्लॉक और एंटी क्लॉक चलाने के लिए, न्यूट्रल कंडीशन में रखने के लिए और लीड स्क्रू हेड स्क्रू को एक ही दिशा में चलाने के लिए। इसके बाद ये जो आपका क्वाड्रेंट प्लेट आता है, इसका काम क्या है? यह मशीन की बाईं ओर फिट होता है, जिस पर लगी हुई गरारियों द्वारा स्पैंडल से लीड स्क्रू को मोशन ट्रांसफर की जाती है, ठीक है, और इसको ब्रैकेट गियर भी कहते हैं, गियर ब्रैकेट भी कहते हैं। कहने का मतलब इस प्लेट का काम क्या है? इस प्लेट का यही काम है कि गियर से हम क्या करते हैं, लीड स्क्रू या फीड स्क्रू में मोमेंट देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में टेल स्टॉक है। टेल स्टॉक क्या होता है? आपने देखा यहां पर हमने टेल स्टॉक, अभी हमने क्या किया, बेल्ट की बात की, बेल्ट के बाद हेड स्टॉक की बात की, हेड स्टॉक के बाद आपका आता है टेल स्टॉक। टेल स्टॉक का क्या रोल है देखो, यहाँ पे टेल स्टॉक इसे बेल्ट की दाहिनी ओर जाप की लंबाई के अनुसार कहीं भी सेट कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ ये आगे पीछे कहीं भी इस बेल्ट के ऊपर हम कहीं भी इसको सेट कर लेते हैं। और इसका यूज क्या होता है? कार्य को सेंटरों के मध्य बांधने के लिए, अगर जॉब है उसको सेंटर के मध्य बांधना है तो हम इसका यूज करते हैं। क्या क्या इससे कर सकते हैं हम, कौन कौन से काम करने के लिए यूज करते हैं? टर्निंग है, ड्रिलिंग है, रीमिंग है, इसके बाद टैपिंग है, टूल की जो है होल्ड करने के लिए हम ये सारा काम करते हैं, टेपर को भी काटते हैं,